आज कराटे क्लास है 23 मार्च 1968। ओम शांति। टुडेज नाइट क्लास इज डेटेड 23rd मार्च 1968। सदैव गुणों को ग्रहण करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज असिमिलेट वर्च्यूज। इसको कहा जाता है गुण ग्राहक। सच अ पर्सन इज कॉल्ड गुण ग्राहक, मीनिंग द वन हु असिमिलेट्स वर्च्यूज। इसमें भी मुख्य गुण ग्रहण करना है। इवन इन दिस द मेन वर्च्यू यू शुड असिमिलेट इज। कौन सा मुख्य गुण है? विच इज द मेन वर्च्यू? गुणों में मुख्य गुण है सहनशीलता। द मेन वर्च्यू अमंग ऑल द वर्च्यूज इज टॉलरेंस। ये भी जानते हो ऊंचे ऊंच बाप है। यू ऑल्सो नो दैट द फादर इज द हाइएस्ट ऑन हाई। वो तो मीठा है। ही इज इंडीड स्वीट। लवली है ना, गॉड फादर कहना ठीक है। ही इज लवली इजंट ही? इट इज करेक्ट टू से गॉड द फादर। ईश्वर प्रभु भगवान से भी फादर अच्छा ठीक है। द वर्ड फादर इज बेटर देन ईश्वर प्रभु एंड भगवान। नेम्स यूज टू कॉल गॉड। फादर है तो सिद्ध होता है कि वर्षा जरूर देना होगा। इफ ही इज अ फादर इट प्रूव्स दैट ही विल सर्टनली हैव टू गिव द इनहेरिटेंस। क्योंकि बाप से तो वर्षा मिलता है। बिकॉज वी ऑब्टेन द इनहेरिटेंस फ्रॉम द फादर। बाप रचयिता है तो क्या रचेंगे? द फादर इज द क्रिएटर सो वॉट विल ही क्रिएट? बच्चों का बाप होता है, बच्चों के लिए मकान की रचना रचता है। द फादर ऑफ सम चिल्ड्रन बिल्ड्स अ हाउस फॉर देम। ये दुनिया भी क्या है? वॉट इज दिस वर्ल्ड एज वेल? एक सृष्टि रूपी मकान है। इट इज अ हाउस लाइक वर्ल्ड। तो बाप पुराना रचा मकान रचेंगे या नया मकान बनावेंगे? सो विल द फादर क्रिएट एन ओल्ड हाउस और विल ही बिल्ड अ न्यू हाउस? बाप तो आते ही है नया मकान बनाने के लिए। द फादर डज कम ओनली टू बिल्ड अ न्यू हाउस। ये सच रूपी नया मकान बनता है तो उसमें तुम बहुत सुखी हो जाते हो। व्हेन दिस वर्ल्ड लाइक न्यू हाउस इज बिल्ट यू बिकम वेरी हैप्पी इन इट। मकान पुराना होता है। व्हेन द हाउस बिकम्स ओल्ड टूटने लगता है। व्हेन इट स्टार्ट्स क्रम्बलिंग तो दुखी हो जाते हो। यू बिकम सोरोफुल। तो ये भी सृष्टि एक मकान है। सो दिस वर्ल्ड इज ऑल्सो अ हाउस। इसका ड्यूरेशन इसकी आयु 5000 वर्ष है। इट्स ड्यूरेशन इट्स एज इज 5000 ईयर्स। और 5000 वर्ष में बाप आकर के एक ही बार नया मकान बनाते हैं। एंड द फादर कम्स एंड बिल्ड्स अ न्यू हाउस ओनली वंस इन 5000 ईयर्स। बीच में बार बार नहीं आते। ही डज नॉट कम अगेन एंड अगेन इन बिटवीन। शास्त्रों में क्या लिख दिया है? What has been written in the scriptures? शास्त्रों में तो लिख दिया हर युग में आता हूँ। It has been written in the scriptures, I come in every age. तो चार युग में चार बार आना चाहिए। So he should come 4 times in the 4 ages. फिर उन्होंने 24 अवतार दिखा दिए। Then they have shown 24 incarnations of Vishnu. 10 अवतार दिखा दिए। They have shown 10 incarnations. वास्तव में Actually, नई दुनिया बनाने के लिए आता हूँ। When I come to establish the new world, तो नई दुनिया में धर्म कितने होते हैं? How many religions exist in the new world? अनेक धर्म होते हैं। Are there numerous religions? एक। नई दुनिया में तो एक ही धर्म होता है। There is only one religion in the new world. और वो भी प्रवृत्ति मार्ग का धर्म होता है। And it is also a religion of the household path. क्या? एक सूर्यवंश और दूसरा चंद्रवंश। What? One is the sun dynasty, सूर्यवंश, and the other is the moon dynasty, चंद्रवंश। दोनों को मिलाकर एक ही देवी देवता सनातन धर्म बनता है। Both of them combined together to make one देवी देवता सनातन धर्म, meaning ancient deity religion.
सूर्य और चंद्र, द सन एंड द मून, दोनों का मेल हुआ। When both of them came together, तो देवी देवता सनातन धर्म बना। The ancient deity religion was established. एक धर्म होता है, एक ही धारणा होती है, एक ही राज्य होता है, एक ही कुल होता है, एक ही मत और एक ही भाषा होती है। There is one religion, there is only one inculcation, there is only one kingship, only one family, only one opinion, and only one language. सबकी भाषा अलग अलग नहीं होती है। Nobody's language is different. तो जरूर आपस में प्यार होगा। So, certainly there will be mutual love. ऐसी नई दुनिया सिर्फ एक ही बाप है जो आकर रचते। There is only one father who comes and creates such a new world. और वो बेहद का बाप है। And he is an unlimited father. ऐसे तो बेहद के दो बाप हैं। In a way, there are two unlimited fathers. एक मनुष्य सृष्टि का बाप। One is the father of the human world. और दूसरा आत्माओं का बाप। And the other is the father of the souls. लेकिन मनुष्य सृष्टि का बाप जन्म मरण के चक्र में आता है। But the father of the human world passes through the cycle of birth and death. क्या? What? और जो आत्माओं का बाप है। And the one who is the father of the souls. आत्मा अविनाशी है। आत्माओं का बाप भी अविनाशी है। A soul is imperishable. The father of souls is also imperishable. परंतु वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। But he does not pass through the cycle of birth and death. इससे क्या होता है? What is the consequence of this? वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, इसलिए वो इस सृष्टि पर सिर्फ एक ही बार आता है। He does not pass through the cycle of birth and death. Therefore, he comes in this world only once. और आकर के जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, जो भी आत्माएं हैं जन्म मरण के चक्र में आने वाली। And after coming, all the human souls, all the souls that pass through the cycle of birth and death. कौन से चक्र से पसार होती हैं? Which cycle do they pass through? सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो एंड तमो। सतो प्रधान meaning consisting in the quality of goodness and purity. Sato samanya, where there is ordinary goodness and purity. Rajo, dominated by the quality of activity or passion. And tamo, dominated by darkness or ignorance. Sato pradhan, sato. इस दुनिया की कोई भी चीज ऐसी नहीं है। इस दुनिया में भ्रमण करने वाली कोई भी ऐसी आत्मा नहीं है जो चार अवस्थाओं से पसार न होती। There is nothing in this world, there is no soul in this world, which does not pass through the four stages. एक सुप्रीम सोल बाप ही है। It is the supreme soul father alone. जो चार अवस्थाओं से कभी पसार नहीं, वो सदैव सतो प्रधान है। Who never passes through the four stages. He is always सतो प्रधान। उसको कहते हैं सत्त चित्त आनंद। He is indeed called सत चित आनंद, मीनिंग ट्रू लिविंग एंड ब्लिसफुल। सदैव सत्य है। ही इज फॉर एवर द ट्रूथ। असत्य कभी है ही नहीं। ही इज नेवर फॉल्स एट ऑल। झूठा नहीं है। ही इज नॉट फॉल्स। सत्य है। ही इज ट्रूथ। तो सुख का सागर कहा जाता है। देयरफॉर ही इज कॉल्ड एन ओशन ऑफ हैप्पीनेस। जो झूठ होते हैं वो दुख देते हैं। दोज हु आर फॉल्स कॉज सोरो। सत्य से सुख होता है, झूठ से दुख होता है। ट्रूथ ब्रिंग्स हैप्पीनेस, फॉल्सहुड कॉजेस सोरो। तो जो भी आत्माएं हैं, वो सब सच्चे से झूठी बन जाती है। सो ऑल द सोल्स ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ट्रूथफुल वंस टू फॉल्स वंस। सत्युग में सच्ची थी। दे वर ट्रू इन द गोल्डन एज। फिर चार अवस्थाओं से पसार होते होते, चार युगों में जन्म लेते लेते कलयुग के अंत में आकर सब झूठे हो जाते। Then, while passing through the four stages, while taking birth in the four ages, all of them become false by the end of the iron age. हो जाते? They become sorrowful. ऐसी दुखी आत्माओं को फिर सुखी बनाने के लिए। In order to make
सच सोरोफुल सोल्स हैप्पी वंस अगेन. उसे एक सख्त बाप को आना पड़ता है. द वन ट्रू फादर हैज टू कम. उसको अंग्रेज लोग कहते हैं ट्रूथ गॉड फादर. द इंग्लिश मैन कॉल हिम ट्रूथ गॉड द फादर. गॉड इज ट्रूथ. गॉड इज ट्रूथ. वो एक ही सच्चा है और बाकी सब सब कलयुग अंत में आकर के झूठे बन जाते हैं, दुखदाई बन जाते हैं. ही अलोन इज ट्रूथफुल एंड ऑल द रेस्ट बिकम फॉल्स एंड द वंस हु कॉज सोरो एट द एंड ऑफ द आयरन एज. तो बाप आकर के बताते हैं. सो द फादर कम्स एंड सेज तुम मुझे एक सत्य बाप को याद करेंगे तो तुम भी सत्य बन जाएंगे. इफ यू रिमेम्बर मी द वन ट्रू फादर यू टू विल बिकम ट्रू. मैं ही आकर के सच सुनाता भी हूँ. आई माई सेल्फ कम एंड ऑल्सो नरेट द ट्रूथ. क्या वॉट सारी दुनिया झूठी है. द एंटायर वर्ल्ड इज फॉल्स. तो क्या सुनाती है. सो वॉट डज इट नरेट. झूठी ही झूठ सुनाती है. इट नरेट्स ओनली लाइज. आत्माओं के बारे में झूठ सुनाती है. इट नरेट्स लाइज अबाउट द सोल्स. सृष्टि के बारे में झूठ सुनाती है. इट नरेट्स लाइज अबाउट द वर्ल्ड. हर एक आत्मा को झूठ ही लेना और झूठ ही रहना देखने में आता है. एवरी सोल इज सीन टू बी टेकिंग एंड गिविंग ओनली फॉल्सहुड. एक बाप ऐसा है जो हर बात के बारे में सच बताता है. वन फादर इज सच हु नरेट्स ट्रूथ अबाउट एवरीथिंग. और सच बता करके सच खंड की स्थापना करता है जिसको कहते हैं सत्ययुग. एंड ही एस्टेब्लिशेस द लैंड ऑफ ट्रूथ सच खंड विच इज कॉल्ड सत्ययुग दैट इज द गोल्डन एज by narrating the truth. और उस सच्चे खंड में 1% भी झूठ नहीं होता. And in that land of truth, there is not even 1% of falsehood. जो पहला परिवार की इकाई स्थापन होगी. The first family unit that is established. उसमें सब सूर्यवंशी होंगे. All will be सूर्यवंशी, meaning souls belonging to the Sun dynasty in it. एक भी दूसरे वंश का नहीं होगा. There will not be a single soul from other dynasty. सच्चा सोना होगा. There will be true gold. मिक्स तो होगा ही नहीं. There will not be any mixture at all. फिर ये कहाँ से आ जाता है मिक्स. Then where does this mixture come from? झूठ की मिक्सचरिटी कहाँ से हो जाती है. Since when does the mixture of falsehood begin? Someone said from the copper age. नहीं. No. सत्ययुग के आज से ही आत्माएं ऊपर से उतरना शुरू हो जाती है. द सोल स्टार्ट डिसेंडिंग फ्रॉम अबाव फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द गोल्डन एज इटसेल्फ. परंतु जो और आत्माएं उतरती हैं, बाप ने तो सत्य की स्थापना की. बट द अदर सोल्स विच डिसेंड द फादर इंडीड एस्टेब्लिश्ड द ट्रूथ. 100% सच्चा परिवार बनाया. He established a 100% true family. लेकिन 100% सच्चे परिवार में बाद में जो भी आत्माएं उतरी. But all the souls which descended later on in the 100% true family. वो सब नंबर वार झूठ लेकर के कम ताकत वाली उतरती. Are the souls which descend from the soul world with number wise falsehood. That is according to their stage and lesser power. पूरी पावर वाली, पूरी सच्चाई की पावर वाली नहीं. The souls with full power, the souls with the power of complete truth do not descend. बाप तो आकर के सच्चा परिवार स्थापन कर देते हैं. The father comes and establishes a true family. कितनी आत्माओं का परिवार होता है. It is a family of how many souls? 9 lakh. Someone said 9 lakh. नहीं, 9 लाख में तो सब धर्म के बीज हैं. नो 9 लाख मीनिंग 900,000 इंक्लूड द सीड्स ऑफ ऑल द रिलीजन्स. अ मदर सेड 108. 108 में भी 9 और 12 का गुणा किया. इवन इन 108 9 इज मल्टीप्लाइड विथ 12. 12 के 9 ग्रुप हैं. देर आर 9 ग्रुप्स ऑफ 12 ईच. क्या वॉट 9 धर्मों में 12 राशियों के. देर आर सोल्स ऑफ 12 zodiac signs इन द 9 religions. टोटल 12 नेम 108 आत्माएं हैं. टोटलिंग 12 × 9 दैट इज 108 सोल्स. वो एक जैसी तो हो ही नहीं सकती. दे सर्टनली cannot बी अलाइक. जो पहले सूर्यवंशी 12 हैं, उनमें भी सब एक जैसे नहीं है.
इवन अमंग द फर्स्ट 12 सूर्यवंशी ऑल ऑफ देम आर नॉट अलाइक. उनमें भी तीन प्रकार के हैं. इवन अमंग देम देर आर थ्री काइंड्स ऑफ सोल्स. एक है स्थापना करने वाले, द फर्स्ट आर दोज हु एस्टैब्लिश. दूसरे है विनाश करने वाले, द सेकेंड आर दोज हु कॉज डिस्ट्रक्शन. और तीसरे है पालना करने वाले. एंड द थर्ड आर दोज हु सस्टेन. बारह में भी तीन प्रकार के हैं. इवन अमंग द 12 देर आर सोल्स ऑफ थ्री काइंड्स. स्थापना करना भी अच्छा है, पालना करना भी अच्छा है. इट इज गुड टू एस्टैब्लिश एज वेल एज टू सस्टेन. लेकिन विनाश करना तो अच्छा नहीं. बट इट इज नॉट गुड टू डिस्ट्रॉय. वो डिस्ट्रक्टिव बात है. दे आर द डिस्ट्रक्टिव सोल्स. डिस्ट्रक्शन कैसे होता है? हाउ डज डिस्ट्रक्शन टेक प्लेस? इम्प्योरिटी से होता है डिस्ट्रक्शन. डिस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस थ्रू इम्प्योरिटी. और प्योरिटी से होता है कंस्ट्रक्शन और पालना. कंस्ट्रक्शन एंड सस्टेनेंस टेक्स प्लेस थ्रू प्योरिटी. तो जो आठ है सो अमंग द एट चार है पालना करने वाली विशेष आत्माएं. देर आर फोर स्पेशल सोल्स हु गिव सस्टेनेंस. और चार है स्थापना करने वाली विशेष आत्माएं. एंड फोर स्पेशल सोल्स विच ब्रिंग द एस्टेब्लिशमेंट. ये आठ तो पक्के सूर्यवंशी ऐसे हैं. दीज एट आर सच फर्म सूर्यवंशी. जो आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक सच्चाई का साथ देने वाले. हु स्टैंड बाय द ट्रूथ फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड ऑफ द आयरन एज. माना सत्युग त्रेता में तो सत्य है ही. इट मीन्स दैट देर इज नो डाउट ट्रूथ इज देर इन द गोल्डन एज एंड द सिल्वर एज. लेकिन द्वापर कलयुग में भी इन्होंने सच्चाई को ही फॉलो किया. बट इवन इन द कॉपर एज एंड द आयरन एज दे फॉलोड ओनली ट्रूथ. सिर्फ आखिरी जन्म में जाकर के माया इनको पछाड़ देती. ओनली इन द लास्ट बर्थ माया डिफीट्स देम. और वो भी जरूरी है. एंड दैट इज ऑल्सो नेसेसरी. अगर कोई नीचे नहीं गिरेगा तो ऊंचा भी नहीं उड़ सकता. If someone does not experience downfall, he cannot rise either. अंधेरे का जिसको ज्ञान नहीं होगा उसको उजाले का भी ज्ञान नहीं हो सकता. He who does not have the knowledge of darkness cannot have the knowledge of light either. अंधेरा और उजाला दोनों इस सृष्टि पर होते हैं. Both darkness and light exist in this world. दिन में होता है तो रात भी होती है. दुख की दुनिया होती है तो सुख की दुनिया भी होती है. When there is day, there is night as well. When there is a world of sorrow, there is a world of happiness as well. थोड़ा तो जरूर चाहिए. It is certainly required to some extent. तो वो आठ आत्माएं ऐसी हैं जो धर्मराज से सजाएं नहीं खाती. So, those eight souls are such who do not suffer punishments from Dharmraj, meaning the Chief Justice. क्यों नहीं खाती? Why don't they suffer punishments? कारण क्या? What is the reason? जन्म जन्मांतर सच्ची होकर के रहती. They remain truthful for many births. सच्चे काम किए हैं. They have performed truthful tasks. झूठे काम नहीं किए. They have not performed false tasks. तो 63 जन्मों जिन्होंने अच्छे काम किए, सच्चे काम किए, सत्य का साथ दिया, झूठ का साथ नहीं दिया. So, those who have performed good tasks, true tasks, stood by truth, did not side with falsehood for 63 births. वो आखिरी जन्म में जब भगवान बाप आते हैं. When God the Father comes in the last birth. तो वो ऐसे कर्म नहीं करती जो 100 गुना पाप का बोझ है उनका बढ़ता चला जाए. They do not perform such tasks by which they may continue to accumulate 100 times burden of sins. क्या? What? जब 100 गुना पाप का बोझ नहीं बढ़ेगा. When the 100 times burden of sins is not accumulated. तो कहा जाता है बनी बनाई बन रही. It is said whatever is predetermined is being enacted. अब कछु बननी ना. Nothing new is to be enacted. 63 जन्मों में भी उन्होंने अच्छा बनाया. They created good creation in the 63 births as well. तो आखिरी जन्म में जब भगवान आता है तो भी उनको सत बुद्धि मिलेगी या दुर्बुद्धि मिलेगी. So even when God comes in the last birth, will they receive a true intellect or will they receive a bad intellect? अच्छे कर्म किए हैं तो बुद्धि भी अच्छी मिलती.
If they have performed good tasks, they receive a good intellect too. अच्छी बुद्धि होने के कारण Because of having a good intellect, भगवान बाप को जल्दी पहचान लेती, they recognize God the Father quickly. पहचानती भी है, फिर मानती भी है, फिर उसके बताए हुए रास्ते पर चलती भी है. They recognize as well as accept him. Then they also follow the path shown by him. इसलिए वो ऐसी आठ आत्माएं हैं जो धर्मराज के डंडे नहीं खाती. Therefore, they are such eight souls who do not suffer the beatings with the stick of Dharmraj. बाकी जो नौवीं आत्मा है, As regards the ninth soul, वो कौन से ग्रुप से है? To which group does it belong? स्थापनाकारी, पालनाकारी या विनाशकारी? Does it belong to the group of the ones who establish, the ones who sustain, or the ones who bring destruction? बारह का ग्रुप है ना, पहला पहला. The first group consists of 12 souls, doesn't it? बारह सूर्यवंशी है ना पहले ग्रुप में. The first group consists of 12 Suryavanshis, doesn't it? तो उनमें चार है स्थापनाकारी, चार है पालनाकारी. So, among them, four perform the task of establishment, four perform the task of sustenance, और चार है विनाशकारी. And four perform the task of destruction. तो विनाशकारियों में से जो एक है वो नौवां, दूसरा है दसवां, तीसरा है ग्यारहवां और चौथा है बारहवां. So, among the destructive souls of Suryavanshis, the first one is the ninth soul of the group, the second one is the tenth soul, the third one is the 11th soul, and the fourth one is the 12th soul. ये चारों आत्माएं पक्की सूर्यवंशी होने के बावजूद भी, All these four souls, despite being firm Suryavanshi, बाप के डायरेक्ट बच्चे होने के बावजूद भी, Despite being the direct children of the father, पहले पहले एडवांस ज्ञान लेने के बावजूद भी, Despite receiving the advanced knowledge first of all, सजाएं खा जाते, suffer punishments. बस, That is all. समझो यहीं से दुनिया का पतन हुआ. It can be presumed that the downfall of the world began from here, from those souls itself. क्योंकि आज में जो आठ आत्माएं हैं, वो श्रेष्ठ हैं. The eight souls present in the beginning of the golden age are the righteous ones. 100% श्रेष्ठ परिवार की रचना करने वाली. They are the ones who create a 100% righteous family. नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं हैं सूर्यवंशी. The ninth, tenth, 11th and 12th souls are indeed Suryavanshi. लेकिन वो जब उतरते हैं तो कुछ न कुछ है. But when they experience downfall, to some extent or the other, जैसे भरा घड़ा हुआ हो दूध का, For example, there is a pot full of milk, और उसमें एक बूंद सर्प का विष डाल दिया जाए, And if a drop of snake's venom is added to it, तो सारा क्या हो सकता है? What does the entire content become? धीरे धीरे फैलते फैलते सारा घड़ा विष बन जाता है. It spreads slowly. And the content of the entire pot becomes poison. तो पहले ग्रुप में ही ये चार ऐसे destructive हैं. So, in the first group itself, these four are such destructive ones. जिनका असर सत्युग त्रेता में दिखाई नहीं पड़ता है. Whose influence is not seen in the golden age and the silver age. परंतु असर होना शुरू हो जाता है. But their influence begins. क्या असर होना शुरू हो जाता है? Which influence begins? वो धीरे 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 संघ का रंग फैलता रहता है. The color of their company keeps spreading slowly. और जो उसके बाद जो आत्माएं उतरेंगी वो ज्यादा सजा खाने वाली उतरती हैं. And the souls which descend after that, are they those who suffer more punishments? या कम सजा खाने वाली उतरती हैं? Or those who suffer less punishments? और ही जास्ती सजा खाने वाली आत्माएं उतरती रहती हैं. The souls who suffer comparatively more punishments keep descending. ऐसी ऐसी आत्माएं उतरती है जिन्होंने जन्म जन्मांतर और ही ज्यादा बुरे कर्म किए. Such souls who have performed comparatively more bad actions for many births keep descending. बुरे कर्म करने से बुद्धि अच्छी बनती है या दुर्बुद्धि बनती है? Does the intellect improve
by performing bad actions or does the intellect become bad? मान लो कोई पहली बार अपने जीवन में पहली बार गाय काटना शुरू करे. Suppose someone starts to slaughter cows for the first time in his life. पहले नहीं काटी कभी. If he has never slaughtered a cow earlier. और पहली बार गाय काटी. And slaughters a cow for the first time. तो उसकी आत्मा उसको गवाही देगी कि गाय हमने ठीक काटी या गलत काटी. Then will his soul support him in his dilemma if the task of slaughtering the cow was correct or wrong? अंदर से पाप महसूस होगा या नहीं होगा? Will he realize the sin from within or not? होगा. पहली बार तो जरूर होगा और ज्यादा होगा. He will certainly realize for the first time and realize it a lot. फिर दूसरी बार भी काटी, लोभ में आ गया. He becomes greedy and he slaughters again for the second time. तो उतना feeling नहीं आती. Then he does not feel the repentance to that extent. फिर तीसरी बार काटी, फिर और कम feeling आएगी. Then when he slaughters for the third time, he will feel the repentance to even a lesser extent. ऐसे करते करते उसके संस्कार बन जाते हैं पाप कर्म के. While continuing to perform such task, he develops the संस्कार of committing sins. जो पाप कर्म के संस्कार बन गए तो उससे क्या साबित हुआ? When he developed the संस्कार of sins, what does it prove? बुद्धि खराब हो गई या बुद्धि अच्छी बनी? बुद्धि खराब हो गई. Did the intellect become bad or did it become good? The intellect became bad. ये तो ऐसे ही है जैसे कोई आदमी जुआ खेलता है. It is the same as some person plays the game of dice. पहली बार बाजी लगाई, चाहे हार गया चाहे जीत गया. When he threw the dice for the first time, it doesn't matter for him whether he loses or wins. हार गया तो भी क्या चाहेगा? हैं? Even if he loses, what will he wish for? तो भी चाहेगा, हार गए, अच्छा अगली बार जाके जीत लेंगे. In spite of losing, he will wish, I lost, all right, I will win the next time. फिर हार गया, फिर कहेगा, अगली बारी हम जरूर लगाएंगे और उसमें जीत लेंगे. Suppose he loses again, he will say again, the next time I will certainly throw the dice and surely win it. हारता चला जाता और सारा ही हार गया. He goes on losing and he loses completely. ऐसे ही जीतने वाला क्या करता है? Similarly, what does the one who wins do? उसको और लोभ बढ़ता है, और जीतो. His greed increases. Let me win more. सारी दुनिया अपने अंडर में आ जाए. Let the entire world come under my control. तो ऐसे ये कर्मों की गुह्य गति है. So, these are the deep dynamics of actions. भगवान बाप आकर के सिखाते हैं. God the Father comes and teaches. कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए. Which actions should be performed and which actions should not be performed. कौन सा सत्कर्म है और कौन सा असत्कर्म. Which the true actions are and which the false actions are. कर्म अकर्म विकर्म की थ्योरी बाप आकर बतलाते हैं. The father comes and tells us the theory of karma, akarma and vikarma. Meaning, actions, action which doesn't result in anything and opposite actions. लेकिन बतलाते तो है. He does tell us. लेकिन वो ज्ञान कर्मों का किसकी बुद्धि में टिकता है और किसकी बुद्धि में नहीं टिकता. But that knowledge of actions fits into the intellect of some and does not fit into the intellect of some others. कहते हैं सोने के पात्र में शेरनी का दूध टिकता है. They say the milk of a lioness remains in a golden utensil. नहीं तो मिट्टी के पात्र को फोड़ करके निकल जाता. Otherwise it breaks the clay utensil and comes out. कोई दूसरा भी पात्र हो. It may be any other utensil. काठ हो, लकड़ी का पात्र हो. Whether it is made of wood or utensil of wood, चांदी भी हो, तांबा भी हो, or even if it is made of silver or copper, तो भी
थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन वो फोड़ के निकल जाएगा। इट विल टेक सम मोर टाइम बट इट विल सर्टनली ब्रेक द यूटेंसिल एंड कम आउट। सिर्फ सोना है वो भी सच्चा सोना होगा तो शेरनी का दूध टिकेगा। इट इज ओनली गोल्ड, मोर ओवर इफ इट इज ट्रू गोल्ड द मिल्क ऑफ द लायनेस विल रिमेन इन इट। ऐसी ये बुद्ध रूपी पात्र है। सिमिलरली दिस इज अ यूटेंसिल लाइक इंटेलेक्ट। जिन्होंने जन्म जन्मांतर अच्छे कर्म किए हैं। Those who have performed good deeds for many births. और अच्छे कर्म भी क्यों किए हैं? And why have they performed the good tasks? क्योंकि भगवान बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो भगवान बाप की श्रीमत को उन्होंने पक्का पक्का फॉलो किया। It is because when God the Father came in this world, they followed his श्रीमत firmly. वो संस्कार अपनी आत्मा में डाल लिए अच्छा कर्म करने के। They imbibed the संस्कार of performing noble deeds in their souls. वो अच्छे कर्म करने के संस्कार उनके जन्म जन्मांतर काम आते हैं। The संस्कार of performing noble deeds keep proving helpful to them for many births. सती उत्रेता में तो अच्छे बुरे की बात ही नहीं, वहाँ तो आत्मिक स्थिति रहती है इसलिए कर्म कर्म हो जाते हैं। There is not a question of good or bad deeds at all in the golden age and the silver age. There is a soul conscious stage over there. Therefore, the karma becomes a karma. लेकिन द्वापर युग से भी जब देवहन बढ़ता है आत्म की स्थिति क्षीण हो जाती है उस समय भी। But even from the copper age, when body consciousness increases, when the soul conscious stage decreases, even at that time, वो श्रेष्ठ आत्माएं अच्छे का साथ देती हैं, बुरे का साथ नहीं देती। Those righteous souls stand on the good side, they do not side with the evil. तो बुद्धि शुद्ध की शुद्ध बनी रहती। Therefore the intellect remains pure as it is. तो देखो बुद्धि का वरदान कितना बड़ा वरदान है। So look, the boon of the intellect is such a big boon. हर आत्मा जब से जन्म लेती है बड़े से बड़ा अपने साथ कौन सा वरदान लेकर के आती है? Ever since every soul takes birth, Which biggest boon does it bring with it? बड़े से बड़ी दात कौन से मनुष्य आत्मा लेकर के आती है जन्म से ही? Which is the biggest gift that a human soul brings with it ever since the birth? बुद्धि की दात है। It is the gift of the intellect. हर आत्मा को बुद्धि की दात जन्म से ही मिलती है। Every soul gets the gift of the intellect since its birth itself. कोई को अच्छी बुद्धि मिलती है और कोई को खराब बुद्धि मिलती है। Some get a good intellect and some get a bad intellect. और संगम युग में तो इस बुद्धि का बहुत ही महत्व है। And in the confluence age, there is a lot of importance of this intellect. जितना सोने की बुद्धि रूपी पात्र होगा। The more someone's utensil-like intellect is of gold, उतना जन्म जन्मांतर की प्राप्ति ज्यादा होगी। The more attainments he will receive for many births. और जितना ये पात्र मिट्टी का होगा। एंड द मोर दिस यूटेंसिल इज मेड अप ऑफ मड, कम वैल्यूएबल होगा। द लेसर वैल्यूएबल इट इज, उतना प्राप्ति भगवान से ज्यादा कम होगी। ही विल अचीव लेसर अटेनमेंट्स फ्रॉम गॉड। वर्षा तो मिलता है। द इनहेरिटेंस इज सर्टनली रिसीव्ड भगवान बाप से ही, फ्रॉम गॉड द फादर हिमसेल्फ। लेकिन वर्षा जो है अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर मिलता है। But it is received on the basis of the actions performed in the past births. और पूर्व जन्मों के आधार पर बुद्धि बनती है। And the intellect is formed on the basis of the past births. बुद्धि माने ही आत्मा। An intellect itself means the soul. क्या? What? कोई कहे कि आत्मा क्या बनती है? Someone may ask, is the soul created? नहीं, आत्मा तो बनी बनाई है। No, the soul is already made. बनती नहीं है। इट इज नॉट क्रिएटेड। लेकिन आत्मा में अच्छे बुरे कर्मों के संस्कार भरे रहते। बट द संस्कार ऑफ गुड और बैड डीड्स रिमेन रिकॉर्डेड इन द सोल। एक प्रकार का बीज है। इट इज अ टाइप ऑफ सीड। वो बीज जैसी जैसी धरणी मिलती जाती है वैसे वैसे अपना फल देता जाता है। एज इज द काइंड ऑफ द लैंड अ सीड फाइंड्स इट प्रोड्यूसेस द फ्रूट अकॉर्डिंग टू दैट। हम सब आत्माएं बीज हैं। All of us souls are seeds. क्या? एक बोरा जैसे बीज होता है गेहूं का। What? Suppose there is a sack full of wheat grains. खेत में डाल दिया जाए। If it is sowed in the field,
तो सब पौधे एक जैसे पैदा होंगे? विल ऑल द प्लांट्स दैट ग्रो फ्रॉम देम बी अलाइक? ये अंतर होगा। और विल देयर बी अ डिफरेंस? अंतर होगा। देयर विल बी अ डिफरेंस। कोई पौधा लंबा होगा, कोई पौधा छोटा होगा, कोई के बड़े पत्ते, कोई के छोटे पत्ते, कोई में 10 दाने, कोई में 20 दाने। सम प्लांट्स विल बी टॉल, सम प्लांट्स विल बी शॉर्ट, सम विल हैव बिग लीव्स एंड सम विल हैव स्मॉल लीव्स, सम विल प्रोड्यूस 10 ग्रेन्स, सम विल प्रोड्यूस 20 ग्रेन्स। कोई की छोटी जड़, कोई की बड़ी जड़। सम विल हैव स्मॉल रूट्स, सम विल हैव लॉन्ग रूट्स। अंतर जरूर होगा। देयर विल सर्टेनली बी अ डिफरेंस। ऐसा एक बोरा गेहूं का 2 दाने भी नहीं होंगे जिनका पूरा पौधा दूसरे पौधे से मिलता जुलता हो। देयर विल नॉट बी एनी 2 ग्रेन्स ऑफ अ सैक ऑफ व्हीट ग्रेन्स हुज प्लांट्स आर एग्जैक्टली सिमिलर टू ईच अदर। ऐसे ही ये हर आत्मा एक प्रकार का बीज है। सिमिलरली एवरी सोल इज अ टाइप ऑफ सीड। और ये अविनाशी बीज है। एंड दिस इज एन इम्पेरिशेबल सीड। ये बीज इसे षष्ठी रूपी रंगमंच पर जब आता है, व्हेन दिस सीड कम्स ऑन दिस वर्ल्ड लाइक स्टेज, तो जैसा जैसा उसमें जन्म जन्मांतर का पार्ट भरा हुआ है वैसा ही पार्ट बजाता रहता है। It keeps playing its part in accordance with the part recorded in it for many births. कोई कहे इसका जिम्मेवार कौन? Someone may ask, who is responsible for it? क्या कर रहा हूँ? भगवान ने ऐसी बुद्धि दी? They will reply, what can I do? God has given me such an intellect. तो क्या बुद्धि देने वाला भगवान है? So, is it God who gives the intellect? भगवान एक-एक को अलग-अलग प्रकार की बुद्धि देता है। Does God give different kinds of intellects to each one? भगवान पक्षपात करता है क्या? Does God show partiality? भगवान तो पक्षपात नहीं करता। God indeed does not show partiality. फिर ये अंतर क्यों हो जाता है? Then why does this difference arise? अपने अपने कर्मों के अनुसार ये अंतर हो जाता है। This difference develops on the basis of the actions of every individual. पूर्व जन्म में जैसे जैसे जिसने जो कर्म किए वैसी वैसी उसको अगले जन्म में बुद्धि मिलती जाती है। Whoever performed whatever actions in whichever way in the past births, he receives that kind of intellect in the next birth. कोई जन्म में आदमी पागल भी हो जाता है। A person also becomes mad in a birth. जो पागल हो जाता है उसको कहे कोई प्राप्ति हुई? Can we say about a person who becomes mad that he attained something? पागल की क्या प्राप्ति? What is the attainment of a mad person? पागल तो ज्यादा पागलपन सवार हो जाए तो विस्टा भी खाने लग पड़ता है। When his madness increases, a mad person even starts eating excreta. ये कोई प्राप्ति हुई? Is this an attainment? तो बुद्धि का वरदान इस समय परमात्मा बाप से मिलता है जिसको कहते हैं संगम युग। So, we receive the boon of the intellect from the Supreme Soul Father at the present time, which is called the Confluence Age. संगम युग में एक ही बार बाप आते हैं और आकर के हर आत्मा को बुद्धि का वरदान देते हैं। In the Confluence Age, the Father comes only once, and after coming, he gives the boon of the intellect to every soul. बुद्धि रूपी बर्तन अब कोई मिट्टी का बनाए और चाहे कोई सोने का बनाए, सच्चा बनाए। Well, it is up to every individual whether he makes his utensil like intellect of clay or whether he makes it, that is his intellect gold, a true one. सोना माने सच्चाई। Gold means truth. सच्चा बर्तन कैसे बनेगा? How will it become a true utensil? जैसे जैसे भगवान बाप ने बोला है बिना किसी चालाकी के वैसे ही वैसे कर्म करना। We should act in whatever way God the Father has told us to act without showing any cunningness. उससे बुद्धि का पात्र सच्चा बनेगा। That will make the intellect like a true utensil. भगवान ने कहा एक। God said one thing. और कुछ न कुछ उसमें मन मत मिक्स करके, मनुष्यों की मत मिक्स करके किया दूसरा। God said one thing and if we mix our own opinion, the opinion of the human beings a little or more and do something else. जैसा बोला वैसा नहीं किया, कुछ न कुछ मन मत मिक्स की। If we didn't do as he said,
इफ वी मिक्स अवर ओन ओपिनियन टू सम एक्सटेंट और द अदर तो बुद्धि भी मिक्स हो जाती है, देन द इंटेलेक्ट ऑल्सो बिकम्स मिक्स्ड। बुद्धि का जो पात्र है सच्चा सोने का पात्र नहीं रहता। द इंटेलेक्ट लाइक यूटेंसिल डज नॉट रिमेन ट्रू गोल्ड। सच्चा सोने का पात्र बना के रखना है। इफ वी वॉन्ट टू कीप द इंटेलेक्ट एज अ ट्रू गोल्डन यूटेंसिल तो आदि से लेकर के अंत तक, फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, भगवान बाप के जो दिए हुए डायरेक्शंस है, श्रीमत है, उसमें कोई भी प्रकार की मिक्सरिटी किए बगैर सच्चाई से अपने जीवन में चलते रहना चाहिए। विदाउट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ मिक्सचर इन द डायरेक्शंस द श्रीमत गिवन बाय गॉड द फादर वी शुड कीप फॉलोइंग इन अवर लाइफ ट्रूथफुली। परंतु माया माया नहीं चलने देती। बट माया डज नॉट लेट अस फॉलो इट दिस वे। माया क्या है? वॉट इज माया? माया क्या चीज है? वॉट थिंग इज माया? माया कोई अलग चीज नहीं है। माया इज नॉट अ सेपरेट थिंग। हमारे अंदर की जो कमजोरी है वही तो माया है। द वीकनेस विद इन अस इटसेल्फ इज माया। 63 जन्मों में हमने जो गलत गलत काम किए हैं, वॉट एवर रॉन्ग एक्शंस वी हैव परफॉर्म्ड इन द 63 बर्थ्स, किसी के साथ तो किए होंगे। वी मस्ट हैव परफॉर्म्ड देम विद समवन इंडीड। जिन जिन आत्माओं के साथ है, गलत काम किए हैं, वो ही आत्माएं मायावी रूप धारण करके। विथ विच एवर सोल्स वी हैव परफॉर्म्ड द रॉन्ग एक्शंस द सेम सोल्स अज्यूम एन इल्यूसिव फॉर्म, चाहे पुरुष रूप में, चाहे स्त्री रूप में, चाहे कोई पदार्थ के रूप में हमारे सामने आती है और हमारी परीक्षा हो जाती है। वेदर इन द फॉर्म ऑफ अ मैन और इन द फॉर्म ऑफ अ वुमन, वेदर इन द फॉर्म ऑफ अ थिंग, कम इन फ्रंट ऑफ अस एंड टेस्ट अस। माया भी रूप आता है और हमको श्रीमत से नीचे गिरा देता है। द इल्यूसिव फॉर्म कम्स एंड इट मेक्स अस फॉल फ्रॉम श्रीमत। तो जिम्मेवार कौन हुआ? सो हु इज रेस्पॉन्सिबल? समवन सेड माया। माया नहीं जिम्मेवार, माया कोई जिम्मेवार नहीं। नॉट माया, माया इज नॉट रेस्पॉन्सिबल। माया माने हम खुद ही जिम्मेवार हुए। माया मीन्स वी अवरसेल्व्स आर रेस्पॉन्सिबल। जो आत्मा हमारे सामने आई मायावी रूप धारण करके, उससे संबंध किसने जोड़ा, कब जोड़ा? Who established a relationship with the soul which took an illusive form and came in front of us? When was it established? पूर्व जन्म में हमने ही तो जोड़ा। We ourselves established a relationship in the past birth. हमने ही तो उसको आमंत्रित किया। It was we who invited that one, meaning soul. नहीं तो बाप ने तो हमको सिखाया है। एक बाप, दूसरा ना कोई। Otherwise. The father has taught us one father and no one else. लेना है तो एक बाप से, देना है तो एक बाप को, बात करना है तो एक बाप से। If we have to take, we should take from the one father. If we have to give, we should give to the one father. If we have to talk, we should talk to the one father. माना बुद्धि का कनेक्शन लगातार एक के साथ जुड़ा रहे। It means that the connection of the intellect should be continuously with the one. दूसरों के साथ व्यवहार करना है लेकिन लगाव पूर्वक उसे व्यवहार नहीं करना। We have to deal with others, but we should not deal with them with attachment. So, ऐसी स्टेज पर दो आत्माएं पहुंचती हैं। So, the souls who reach such a stage और पहले पहले पहुंचती हैं। And reach first of all. कौन सी स्टेज? Which stage? एक बाप, दूसरा ना कोई। One father and no one else. उन आठ आत्माओं की गिनती पहले कर ली जाती है। Those eight souls are counted first. ये भगवान के स्कूल में पढ़ने वाले, अच्छा पद पाने वाली आठ आत्माएं हैं। These are the eight souls who study in God's school, who achieve a good post. इनको कहते हैं स्कॉलरशिप लेने वाली। They are called the ones who take the scholarship. ऐसा स्कॉलरशिप है जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। It is such a scholarship in which there is no shortcoming. जन्म जन्मांतर के लिए बड़ी भारी प्राप्ति होती है। They receive a very great attainment for many births. बहुत ऊंच पद मिलता है। They achieve a very high post. सिर्फ राजाएं नहीं है।
दे आर नॉट जस्ट किंग्स. क्या? वॉट? ये वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिन्होंने अनेक जन्मों में महाराजा पद पाया है. दे आर दोज राइटियस सोल्स हु हैव अचीव्ड द पोस्ट ऑफ महाराजा मीनिंग एम्परर फॉर मेनी बर्थ्स. राजाओं के भी राजा बने. दे हैव बीन द किंग ऑफ किंग्स. तो बुद्ध रूपी पात्र कितना श्रेष्ठ बन गया. सो देयर यूटेंसिल लाइक इंटेलेक्ट बिकेम सो राइटियस. किस आधार पर बना? ऑन वॉट बेसिस डिड इट बिकम राइटियस. ये बुद्ध रूपी पात्र इतना सोने का सच्चा बर्तन बन गया किस आधार पर बना? दिस यूटेंसिल लाइक इंटेलेक्ट बिकेम सच अ ट्रू यूटेंसिल ऑफ गोल्ड. ऑन वॉट बेसिस डिड इट बिकम लाइक दैट. जो भगवान के दिए हुए सारे डायरेक्शन, भगवान की दी हुई सारी श्रीमत उनकी बुद्धि में जमा समा गई. That all the directions, all the Shrimad given by God was assimilated in their intellect. और उन्होंने दूसरों का आधार लिया. Others took the support of others. और उन्होंने भगवान की श्रीमत का आधार लिया. And they took the support of God's Shrimad. भगवान की श्रीमत का जो आधार लेंगे. Those who take the support of God's Shrimad. कितने फायदे बनेंगे? Reap so many benefits. और मनुष्य मत का आधार जो लेते हैं प्यार में आकर के. And those who take the support of human opinions under the influence of their love, मनुष्यों से प्यार हो जाता है ना? They develop love for the human beings, don't they? उस प्यार में आकर के उनकी बातें मानने लग पड़ते हैं. Under the influence of that love, they start accepting their versions. तो घाटी में आ जाते हैं. Then they suffer a loss. अथवा तो अपने अंदर देहभान होता है. Or else they possess body consciousness within them. देवभान के कारण अपनी मनमत पे चलते हैं. नहीं, हमारी बात सच्ची. Because of body consciousness, they follow their own opinion. They think, no, what I say is correct. भगवान बाप को नहीं पहचान पाते. They are unable to recognize God the Father. भगवान बाप को नहीं पहचानते तो उसके डायरेक्शन को भी नहीं पहचानते. When they do not recognize God the Father, they do not recognize His directions either. डायरेक्शन को नहीं पहचानते. When they do not recognize the directions, तो जरूर ऊपर नीचे होते हैं. They certainly waver up and down. तो मूल बात क्या हुई? So, what is the main thing? मूल बात हुई बाप की पहचान. The main thing is the recognition of the father. ज्ञान में आने के बाद. After entering the path of knowledge. ज्ञान तो है ज्ञान गर्भ. Knowledge is in the form of a womb of knowledge. और ज्ञान गर्भ से जब बाहर आए बच्चा. And when the child comes out of the womb of knowledge, तो पहली मुख्य बात होती है बचपने की बुद्धि में ना रहे. The first important thing is that he should not have a child's intellect. जो बच्चे पैदा होते हैं परिवार में. The children that are born in a family, उनमें जो बच्चा बाप को पहले पहचान लेता है. Among them, the child who recognizes the father first, वो बड़ा बच्चा माना जाता है. Is considered to be an elder child. जो बाद में पहचानता है वो छोटा बच्चा माना जाता है. The one who recognizes later on is considered to be the younger child. तो जिन बच्चों ने पहले पहचान लिया जैसे कि बाप को पहचानने वाला बच्चा ही बाप का बच्चा हुआ. So, the children who recognized first, it is as if the child who recognizes the father himself is the child of the father. जिन्होंने नहीं पहचाना. The one who did not recognize him, उनको बाप का बच्चा नहीं कहे. और पहचाना है तो जितना पहचाना होगा उतना बाप की मत पर चलेगा. Will not be called the father's child, and if he has recognized him, then the extent to which he has recognized him, he will follow the direction of the father. नहीं पहचाना होगा. If he has not recognized him, तो बाप की मत पर भी नहीं चलेगा. He will not follow the father's direction either. जितना परसेंटेज में पहचान होगी उतना परसेंटेज में वो बाप को फॉलो करेगा. The percentage in which he recognizes him, he will follow the father in the same percentage. और बाप को फॉलो करना भी दो तरह से होता है. And following the father is also in two ways. एक तो होता है कर्म में फॉलो करना. One is to follow him in his actions. और दूसरा होता है डायरेक्शन को फॉलो करना. And the other is to follow his directions. इसके लिए बाप के दो रूप हैं. For this, there are two forms of the father. एक माता का रूप और एक बाप का रूप. One is the form of the mother and another is the form of the father. जो बाप का रूप है वो तीन रूप आते हैं सामने.
द फादर्स फॉर्म कम्स इन फ्रंट ऑफ अस इन थ्री वेज. बाप बाप के रूप में भी आता है, टीचर के रूप में भी आता है, और वो ही बाप का स्वरूप सदगुरु का रूप भी धारण करता है. द फादर कम्स इन द फॉर्म ऑफ अ फादर एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ अ टीचर एंड द सेम फॉर्म ऑफ फादर टेक्स ऑन द फॉर्म ऑफ अ सदगुरु एज वेल. ऐसे बाप के डायरेक्शन को फॉलो करने की बात है. इट इज अबाउट फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ सच अ फादर. क्या वॉट माना बाप जो करता है या टीचर जो करता है या गुरु जो करता है वो नहीं करना है. क्या करना है? इट मीन्स दैट यू शुड नॉट डू वॉट एवर अ फादर और अ टीचर और अ गुरु डज. वॉट शुड यू डू? जो मुख से डायरेक्शन दिया वो फॉलो करना है. यू शुड फॉलो वॉट एवर डायरेक्शन ही गेव थ्रू द माउथ. फिर कर्मों में किसको फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है? देन हुज एक्शंस शुड यू फॉलो, हाउ शुड यू फॉलो? कर्मों में फॉलो करने के लिए भगवान बाप का पहला रूप है माता का रूप. In order to follow his actions, God the Father's first form is the form of a mother. माने ब्रह्मा के मुख से जो भी कर्म किए हैं. It means whatever actions have been performed through Brahma. वो बुद्धि से खींचना पड़े. Should be remembered through the intellect. कि ब्रह्मा बाबा ने क्या कर्म किए थे. What were the actions performed by Brahma Baba? ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को धिक्कार दिया या सदैव प्यार दिया. Did Brahma Baba condemn the children or did he always love them? कोई एक भी ब्राह्मण बच्चा ये नहीं कहेगा ब्राह्मण ब्राह्मणी कि ब्रह्मा बाबा ने हमको तीखी नजर से देखा. No Brahmin child, no Brahman Brahmani will say Brahma Baba looked at us angrily. एकारत की नजर से देखा. Looked at us with contempt. ग्लानी की नजर से देखा. Looked at us with an insulting look. लाल आंखें करके देखा. Looked at us angrily. एक बच्चा भी हो कोई ऐसा जिसने ब्रह्मा के जीवन में ये अनुभव किया हो कि बाबा ने हमको प्यार नहीं दिया. Is there even a single child who would have experienced in the lifetime of Brahma that Baba did not love him? एक भी नहीं निकलेगा. There will not be even a single one. इससे क्या साबित हुआ, अच्छा कर्म किया या बुरा कर्म किया? What does it prove? Did he perform good actions? और बैड एक्शंस. दूसरों को प्यार देना अच्छी बात है या बुरी बात है? इज इट गुड टू गिव लव टू अदर्स और इज इट अ बैड थिंग? कोई कैसा भी हो, नो मैटर हाउ समवन इज, बुरे से बुरा हो, ही मे बी द वर्स्ट, लेकिन हम ब्रह्मा को फॉलो करें. बट वी शुड फॉलो ब्रह्मा. जैसे ब्रह्मा ने कर्म करके दिखाए वैसे कर्म हम भी करके दिखाए. वी शुड ऑल्सो परफॉर्म डीड्स इन द सेम वे एज ब्रह्मा परफॉर्म्ड. ऐसा करने में सहन कम करना पड़ता है या ज्यादा करना पड़ता है? In doing so, do we have to tolerate less or do we have to tolerate more? ज्यादा सहन करना पड़ता. We have to tolerate more. इसीलिए दुनिया में जो भी माताएं हैं वो इस बात को जानती हैं, फॉलो कर रही हैं. That is why all the mothers in this world know this, they are following it. क्या? What? कि माताएं जितना फॉलो करती हैं, जितना सहन करती हैं, उतना दुनिया में कोई सहन नहीं करता. Nobody in the world tolerates as much as the mothers tolerate. वो तो हद की माता है. Those are the limited mothers. और ब्रह्मा? And what about Brahma? ब्रह्मा तो बेहद की माता है. Brahma is an unlimited mother. आत्मा वो ही कृष्ण की है जिसने पहले भी 63 जन्म लिए हैं इस सृष्टि पर. It is the same soul of Krishna which took 63 births in this world earlier too. क्या? ऐसे नहीं कोई नई आत्मा है. What? It is not as if it is a new soul. नई आत्मा है क्या? Is it a new soul? वो भी 84 का चक्र है. लगाती चली आई. It also passed through the cycle of 84 births. परंतु 84 के चक्र में से 21 जन्मों में तो सहन करने की बात ही नहीं. But out of the cycle of 84 births, there is no question of tolerating or not tolerating in the 21 births at all. बाकी जो आखिरी 63 जन्म है उन 63 जन्मों में भी उस आत्मा ने ऐसा पार्ट नहीं बजाया. As regards the last 63 births, even in those 63 births, that soul did not play such a part. कैसा? What kind of a part? जैसा यहाँ संगम युग में बाप प्रवेश करके उससे ये पार्ट बजाने का उपक्रम करा लेते हैं.
the kind of a part that the father enables him to play after entering here in the confluence age. तो वो सहनशीलता का पार्ट कृष्ण की सोल ने बजाया. So did the soul of Krishna play that part of tolerance? या शिव ने बजाया? Or did Shiv play it? शिव ने बजाया. Shiv played that part. लेकिन उस पार्ट का उजूरा किसको मिलता है? But who receives the benefit for that part? उजूरा शिव सुप्रीम सोल की आत्मा को मिलता है सहन करने का उजूरा. Does the supreme soul Shiv receive the benefit of tolerating? या जिसकी देह है उसको उजूरा मिलता है. Or does the one who possesses the body receive the benefit? देहधारी को उजूरा मिलता है. The bodily being receives the benefit. जैसे कोई भूत प्रेत किसी में प्रवेश करता है. For example, if a ghost or spirit enters in someone, तो जिसमें प्रवेश करता है सहन उसको करना पड़ता है या भूत प्रेत को सहन करना पड़ता है? Does the one in whom it enters has to tolerate, or does the ghost or spirit has to tolerate? बाहर निकल जाएगा. It, that is the ghost, will go out of the body. जो प्रवेश करने वाली आत्मा है वो तो ताकतवर है. The soul that enters is powerful. जिसमें प्रवेश किया वो कमजोर है. The one in whom it entered is weak. तो कमजोर ही दुख सहन करता है. So it is the weak one who tolerates the sorrow. जो पावरफुल होता है वो दुख सहन नहीं करता. The one who is powerful does not tolerate sorrow. जो राजा होता है, if there is a king, ज्यादा पावरफुल है, शरीर में ज्यादा ताकत है. If he is more powerful, if he has more power in his body, तो वो दुख सोड़ी सहन करेगा. He will not tolerate sorrow. तो ये भी शक्ति की बात है. This is also a subject of power. जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, वो सब असक्त हो जाती है जन्म मरण के चक्र में आते आते संग का रंग लेते लेते. All the human souls become weak while passing through the cycle of birth and death while being colored by the company. लेकिन एक शिव ऐसा है जो कभी भी संग के रंग में आते असक्त नहीं होता. But Shiv is such that he never becomes weak after coming in the color of the company. भगवान आता है. When God comes, तो एक के साथ संबंध जोड़ता है या अनेकों के साथ संबंध जोड़ता है? Does he establish a relationship with one or with many? Someone said with one. एक के साथ संबंध जोड़ता है. Does he establish a relationship with one? एक ब्रह्मा के ही साथ संबंध जोड़ा. Did he establish a relationship with just one Brahma? प्रवेश करे तो भी ब्रह्मा नाम पड़ता है. Someone said when he enters he gets the name Brahma. नहीं, ब्रह्मा में तो प्रवेश किया. No, he did enter Brahma. ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाया, माँ के रूप में पार्ट बजाया. He played a part in the form of Brahma. He played a part in the form of a mother. लेकिन संबंध तो माँ के रूप में ढेर सारे बच्चे हैं जो माँ के रूप में उसे देखते हैं. But from the point of view of the relationship, there are numerous children who see him in the form of a mother. तो माँ और बच्चे का संबंध बहुतों का बना या थोड़ों का बना? So, did many children develop the relationship of mother and child, or did few develop it? बहुतों का बना. Many developed this type of relation. लेकिन कृष्ण की सोल को आकर्षण होता है बच्चों का. And the soul of Krishna develops attraction towards the children. मोह आता है बच्चों का. He develops attachment for the children. सुप्रीम सोल शिव की आत्मा को कोई भी बच्चे का मोह नहीं आता. द सुप्रीम सोल शिव डज नॉट डेवलप अटैचमेंट फॉर एनी चाइल्ड. संसर्ग में आता है, संबंध में आता है, गोद में खिलाता है. ही कम्स इन कॉन्टेक्ट इन रिलेशनशिप एंड मेक्स देम प्ले ऑन हिज लैप. पूछते भी है. ही ऑल्सो आस्क्स, बच्चे किसकी गोद में आए हो? ब्रह्मा की गोद में आए हो या शिव बाबा की गोद में आए हो? Children, on whose lap have you come? Have you come on the lap of Brahma or on the lap of Shiv Baba? Shiv Baba. तो जो बच्चे कहते हैं बाबा हमें ब्रह्मा से नहीं प्राप्ति कर रही, हम तो आपकी गोद में आए. So the children who say, Baba, we do not have to make attainment from Brahma, we have come on your, that is Shiv Baba's lap. ब्रह्मा की आत्मा खुद ही 63 जन्मों में नीचे गिरती चली आई. Brahma's soul itself experienced downfall in the 63 births.
तो बाप समझाते हैं, समझ जाते हैं कि हाँ ये तो ज्ञानी आत्मा है। सो द फादर अंडरस्टैंड्स, यस दिस वन इज अ नॉलेजेबल सोल। ज्ञानी आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। द नॉलेजेबल सोल इज एस्पेशली डियर टू मी। ज्ञानी आत्मा आत्मा को देखेगी या देह को देखेगी? विल अ नॉलेजेबल सोल सी द सोल और विल इट सी द बॉडी? आत्मा को देखेगी। इट विल सी द सोल। तो ब्राह्मण बच्चों में भी बेसिक नॉलेज में जो उन्होंने ब्रह्मा बाबा को देखा। सो इवन अमंग द ब्राह्मिन चिल्ड्रन इन द बेसिक नॉलेज दोज हु सॉ ब्रह्मा बाबा। और बाबा के पूछने पर बताया कि बाबा हम तो ब्रह्मा बाबा की गोद में आए। एंड ऑन बींग आस्क्ड बाय बाबा व्हेन दे रिप्लाइड बाबा वी हैव कम ऑन द लैप ऑफ ब्रह्मा बाबा। हमें ब्रह्मा बाबा की गोद से बहुत प्यार है। वी हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर ब्रह्मा बाबाज लैप। तो बाबा समझ जाते थे कि ये देह अभिमानी बच्चा है। बाबा यूज्ड टू अंडरस्टैंड दिस वन इज अ बॉडी कॉन्शियस चाइल्ड। ये अपन को आत्मा समझता नहीं। ही डज नॉट कंसीडर हिमसेल्फ टू बी अ सोल। और ब्रह्मा बाबा को आत्मिक रूप में देखता नहीं। एंड डज नॉट सी ब्रह्मा बाबा इन द फॉर्म ऑफ अ सोल। इस ब्रह्मा के तन में कौन विराजमान है ये उसकी समझ में अभी बैठा नहीं। ही हैज नॉट येट अंडरस्टूड हु इज प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ दिस ब्रह्मा। तो कितना अंतर पड़ जाता है। सो इट क्रिएट्स सच अ डिफरेंस। एक शिव की सोल ऐसी है जो अनेक बच्चों के साथ अनेक प्रकार के संबंध जोड़ती है। The soul of Shiv alone is such that it establishes many kinds of relationships with many children. लेकिन फिर भी किसी में अटैचमेंट लगाव पैदा नहीं होता। Despite that, it does not develop attachment to anyone. तो सदैव पावरफुल बनकर के रहती है या कमजोर हो जाती है? So, does it always remain powerful or does it become weak? 5000 वर्ष के बाद भी इस सृष्टि पर आएगी तो भी? Even after 5000 years, when it comes to this world, सर्व शक्तिवान ऐसा पार्ट बजाने वाली है। It plays the part of the Almighty. भले माँ के रूप में भी पार्ट बजाती है। Although it plays a part in the form of a mother as well. सहन शक्ति का पार्ट बजाती है। It plays a part of tolerance. इसके बावजूद भी ऐसा सहन शक्ति का पार्ट बजाती है। In spite of this, it plays such a part of tolerance. कि सहन करते करते वो देहधारी ब्रह्मा के तो प्राण ही उड़ गए। That while constantly tolerating, the bodily being Brahma lost his life. लेकिन सुप्रीम सोल में कोई कमी नहीं आती। But no flaw comes in the supreme soul. किस आत्मा में कमी आई? A flaw comes in which soul? ब्रह्मा की सोल में कमी आ जाती है। A flaw comes in the soul of Brahma. वो कमी अब तक भी जारी है। That weakness is continuing till date. कैसे? How? गुलजार दादी में बार बार क्यों प्रवेश करने जाते हैं? Why does he go to enter दादी गुलजार again and again? अभी कृष्ण की सोल कहो ब्रह्मा की सोल कहो पढ़ाई पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही है? Now call him the soul of Krishna, call him the soul of Brahma. Is it studying the knowledge or not? पढ़ाई पढ़ रही। इट इज स्टडिंग द नॉलेज। तो जो पढ़ाई पढ़ रही है उसका मूल उद्देश्य क्या है? नष्टो मोह स्मृति लब्ध। सो व्हाट इज द मेन एम ऑफ द नॉलेज दैट इट इज स्टडिंग? नष्टो मोह स्मृति लब्ध मीनिंग कॉन्करर ऑफ अटैचमेंट्स एंड रिगेन द रिमेम्बरेंस ऑफ द वन फादर। तो बच्चों से मोह नष्ट हुआ है? नहीं। सो हैज द अटैचमेंट फॉर द चिल्ड्रन बीन डिस्ट्रॉयड? Someone said no. क्या प्रूफ? What is the proof? अगर बच्चों से मोह नष्ट हुआ होता, had the attachment for the children been destroyed, तो फिर बार बार वही अज्ञानी बच्चों में नहीं जाके घुसते। He would not have gone into the same gathering of the ignorant children again and again. जैसे आजकल की माताएं होती है ना, ज्यादा छोटे बच्चों को प्यार करती हैं। For example, do the mothers nowadays love the younger children more? या बड़े बच्चों को ज्यादा प्यार करती है? और डू दे लव द एल्डर चिल्ड्रन मोर? छोटे बच्चों का मोह नहीं जाता। द अटैचमेंट फॉर द यंगर चिल्ड्रन इज नॉट रिमूव्ड इजीली। ये भी जानती है कि ये छोटे बच्चे बड़े होकर मेरी परवरिश नहीं करेंगे। दे ऑल्सो नो दैट दीज यंगर चिल्ड्रन विल नॉट टेक केयर ऑफ देम आफ्टर ग्रोइंग अप। माँ की परवरिश कौन से बच्चे करेंगे?
विच चिल्ड्रन विल टेक केयर ऑफ द मदर? जो बड़ी उम्र के हो चुके हैं उनसे आशा है कि परवरिश करेंगे। देयर इज अ होप ऑन दोज हु हैव ग्रोन अप दैट दे विल टेक केयर ऑफ देम। छोटे बच्चे तो छोटे हैं। द यंगर चिल्ड्रन आर एनी हाउ यंग। फिर भी ज्यादा मोह कौन से बच्चे की तरफ जाता है? इवन देन टू विच चिल्ड्रन डज शी डेवलप मोर अटैचमेंट? छोटे बच्चों की तरफ मोह हो जाता है। शी डेवलप्स एन अटैचमेंट फॉर द यंगर चिल्ड्रन। अब यहाँ ज्ञान में छोटे बच्चे कौन है? नाउ हु आर द स्मॉल चिल्ड्रन हियर इन दिस पाथ ऑफ नॉलेज? ब्राह्मणों की दुनिया में छोटे बच्चे कहने कहे और बड़े बच्चे कहने कहे? हु शुड बी कॉल्ड स्मॉल चिल्ड्रन एंड हु शुड बी कॉल्ड एल्डर चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड ऑफ ब्राह्मिन्स? जिनमें बाप की पहचान है वो बड़े बच्चे। दोज हु हैव द रिकॉग्निशन ऑफ द फादर आर द एल्डर चिल्ड्रन। और जिनको बाप की पहचान ही नहीं होती वो छोटे बच्चे। एंड दोज हु डू नॉट हैव द रिकॉग्निशन ऑफ द फादर एट ऑल आर द स्मॉल चिल्ड्रन। जिनमें ज्यादा ज्ञान है तो समझा जाता है बड़ा है। दोज हु हैव मोर नॉलेज देन इट इज अंडरस्टूड दैट ही इज एल्डर। जिसमें ज्ञान कम है तो समझा जाता है। द वन हु हैज लेस नॉलेज देन इट इज अंडरस्टूड दैट ही इज स्मॉल। यहाँ कोई उम्र की बात नहीं है। हियर इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ द एज। बाबा तो कहते हैं कोई 7 दिन का बच्चा भी है ज्ञान में आया हुआ नया नया। बाबा सेज इवन इफ देयर इज अ 7 डेज ओल्ड चाइल्ड हु हैज एंटर्ड द पाथ ऑफ नॉलेज न्यूली। सालों ज्ञान में जो चल रहे हैं उनसे ज्यादा तीखा जा सकता है। ही कैन गो फास्टर इन नॉलेज देन दोज हु आर फॉलोइंग द पाथ ऑफ नॉलेज फॉर मेनी इयर्स। ज्ञान में तीखा किस आधार पर जाते हैं? ऑन व्हाट बेसिस डू दे गो फास्ट इन नॉलेज? 7 दिन का आया हुआ बच्चा सालों ज्ञान में जो चल रहे हैं उनसे तीखा कैसे चला जाता है? How does a child who has come 7 days before in knowledge go faster than those who have been following the path of knowledge for many years? Someone said past births. Yes. पूर्व जन्म में वो आत्मा पहले भी ज्ञान ले चुकी है। That soul has obtained the knowledge even in the past birth. वो ब्राह्मणत्व के संस्कार लेकर के आई है दूसरे जन्म में। It has come in the next birth with the संस्कार of Brahmanism. इसलिए वो लास्ट में आने पर भी फास्ट चली जाती है। देयरफॉर दे गो फास्ट इन पुरुषार्थ इन स्पाइट ऑफ कमिंग लास्ट। तो यहाँ भी छोटे बच्चे हैं बड़े बच्चे भी। सो देयर आर स्मॉल एज वेल एज बिग चिल्ड्रन हियर टू। छोटे बच्चे हैं वो अभी भी प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। द स्मॉल चिल्ड्रन आर स्टिल स्टडिंग द नॉलेज ऑफ द प्राइमरी स्कूल। और जो बड़े हो गए वो कॉलेज में ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं। And those who have grown up are studying the higher studies in the college. ऊंची पढ़ाई पढ़ करके उनके पद भी डिक्लेयर होना शुरू हो गए। After studying the higher studies, their posts also have begun to be declared. जैसे कोई ICS है, AIS, IAS इम्तिहान पढ़ लेते हैं ना। For example, some pass ICS, meaning Indian Civil Service, IAS, meaning इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम्स डोंट दे। ऊंचे से ऊंची डिग्री है। दैट इज द हाईएस्ट डिग्री मीनिंग ग्रेड। तो बड़े बड़े ऑफिसर बन जाते हैं। सो दे बिकम वेरी बिग ऑफिसर्स दुनियावी तरीके से। फ्रॉम द वर्ल्डली पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे ही ईश्वरीय पढ़ाई में भी। सिमिलरली इवन इन दिस गॉडली स्टडी। ये ऊंचे से ऊंचे मर्तबा है 8 का पास विद ऑनर होने वालों का। The highest position is of the 8 souls who pass with honor. ये ऐसे बच्चे हैं। These are such children. कि एक बार ऊंच पद नहीं लेते हैं। Who do not achieve a high post just once. क्या? अनेक जन्मों में ऊंच पद धारण करते हैं। What? They achieve a high post for many births. तो बड़े बच्चे हैं ज्ञान के आधार पर। So, the elder children are elder on the basis of the knowledge. और ज्ञान भी। एक तरह का नहीं। एंड द नॉलेज इज नॉट जस्ट ऑफ वन काइंड। कि ज्ञान सुनने सुनाने का ज्ञान हो तो कहा जाए कि बहुत ज्ञानी है। क्या? दैट इफ समवन हैज द नॉलेज ऑफ लिसनिंग एंड नरेटिंग इट इज सेड फॉर हिम दैट ही इज वेरी नॉलेजेबल। व्हाट? ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान सुना गया और सुनाया गया वो सुनने सुनाने तक ही सीमित रहा। वॉज द नॉलेज हर्ड एंड नरेटेड थ्रू ब्रह्मा limited only to listening and narrating? या कोई ने उसकी गहराई को समझा भी? Or did someone understand its depth as well?
समझा तो नहीं? They did not understand. जो समझेगा ही नहीं तो दूसरों को समझाएगा भी? समझाएगा भी नहीं? The one who does not understand at all will not explain to others either. तो एक ज्ञान होता है सुनने सुनाने तक सीमित रहता है. So one kind of knowledge remains limited to listening and narrating. दूसरा ज्ञान होता है समझ भी लिया सुन भी लिया. The second kind of knowledge is such that it is understood as well as heard. ज्ञान को सुन लिया और बुद्धि में हजम भी कर लिया समाय लिया लेकिन प्रैक्टिकल धारणा में नहीं आया. The knowledge is heard as well as digested, that is assimilated in the intellect, but it is not put into practice. तो क्या कहेंगे? So what will it be called? जैसे रावण. Just like Ravan. रावण के हाथों में वेद शास्त्र दिखाते. The Vedas and scriptures are shown in the hands of Ravan. कहते हैं रावण भी ब्राह्मण था प्रकांड विद्वान था. They say that Ravan was also a Brahmin. He was a great scholar. बहुत ज्ञानी था ना? He was very knowledgeable, wasn't he? ब्राह्मणों के बीच में उसकी बहुत मान्यता थी. He was very well known among the Brahmins. फिर कर्म कैसे थे? But how were his actions? चोरी चकारी नीच कर्म करना ये तो खराब बात हो गई. Stealing, performing lowly deeds is a bad thing. तो कर्मों से पता चल गया कि ये ब्राह्मण तो है. So through the actions it was known that he is no doubt a Brahmin. ज्ञानी तो है. He certainly is knowledgeable. सुनने सुनाने वाला तो है. He is indeed a listener and narrator of knowledge. बुद्धि में तीखा भी है. He has a sharp intellect as well. समझने समझाने वाला भी है लेकिन अपने जीवन में ज्ञान को धारण करने वाला नहीं है. He is the one who understands as well as explains, but he does not put the knowledge into practice in his life. इसलिए वो मनुष्य से देवता नहीं बन सकता. That is why he cannot transform from a human being to a deity. भगवान के जो बच्चे होते हैं वो डायरेक्ट बच्चे देवता कहे जाते हैं या असुर कहे जाते हैं. आर द डायरेक्ट चिल्ड्रन ऑफ गॉड कॉल्ड डेटीज और डीमंस? भगवान के बच्चे कौन कहे जाते? हु विल बी कॉल्ड गॉड्स चिल्ड्रन? समवन सेड समथिंग. कोई देवता भगवान के बच्चे कहे जाते हैं. द डेटीज आर कॉल्ड गॉड्स चिल्ड्रन क्योंकि भगवान ने जो पढ़ाई पढ़ाई उस पढ़ाई को उन्होंने जीवन में धारण किया इसलिए भगवान के बच्चे. बिकॉज दे इम्बाइब्ड इन देयर लाइफ द नॉलेज टॉट बाय गॉड दैट इज व्हाई दे आर गॉड्स चिल्ड्रन. और असुर? एंड व्हाट अबाउट द डीमंस? असुर भगवान के बच्चे तो हैं. द डीमंस आर इंडीड द चिल्ड्रन ऑफ गॉड लेकिन मातेले नहीं है. बट दे आर नॉट द रियल चिल्ड्रन. क्या सौतेले बच्चे हुए? व्हाट दे आर द स्टेप चिल्ड्रन. जो माँ का असली खून है वो उनके अंदर नहीं आया. द ट्रू ब्लड ऑफ द मदर डिडंट कम इन देम. नकली खून आ गया अब वो असुर बन गए. द फॉल्स That is adulterous blood came in them and they became demons. भगवान के बड़े बच्चे? So there are the elder children of God. और भगवान के छोटे बच्चे? शक्ति तो चलती है 5000 साल की. And there are the small children of God. The world certainly goes on for 5000 years. लेकिन उसमें पुराने तो पुराने कौन कहे? But who will be called the oldest ones in it? देवताएं या असुर? Are they the deities or the demons? Asur. Someone said something. The demons? Srishti ki shuruaat asuron se hoti hai kya? Does the world begin with demons? Bhagwan jo nayi srishti sthapan karke jate hain, naya makan roopi srishti banake jate hain, uski shuruaat asuron se hoti hai. Does the new world that God establishes, the new world like house that he builds before going, बिगिन विद डीमंस? या देवताओं से होती है? देवताओं से सृष्टि शुरू होती है. और विद डेटीज? दैट वर्ल्ड बिगिंस विद डेटीज. तो नई सृष्टि कही जाती है तब कहा जाता है कि भगवान ने आकर के नई दुनिया देवताओं की रची. सो दैट इज कॉल्ड अ न्यू वर्ल्ड. देन इट इज सेड दैट गॉड केम एंड एस्टेब्लिश्ड द न्यू वर्ल्ड ऑफ डेटीज. तो वो बड़े बच्चे कहेंगे. सो दे विल बी कॉल्ड द एल्डर चिल्ड्रन. उन बड़े कर्म करने वालों की पूजा होती है.
Those who perform the great actions are worshipped. और असुरों की पूजा रावण की कोई पूजा करता है? And as regards the worship of the demons, does anyone worship Ravan? कंस की कोई पूजा करता है? Does anyone worship Kans? हाँ, तो बहुत शक्तिशाली। He was certainly very powerful. रावण भी शक्तिशाली था, कंस भी बहुत शक्तिशाली था। Ravan was powerful as well as Kans was very powerful. Ravan, Kans, villainous characters depicted in Hindu mythology. नामाचार तो बहुत था। They were very well known. लेकिन ताकत? But what about the power? ताकत भी थी। They had power too. ताकत ज्यादा असुरों में होती है या देवात्रों में ज्यादा ताकत होती है? Do demons possess more power or do the deity souls possess more power? असुरों में ज्यादा ताकत होती है। The demons have more power. अगर देवात्मों का साथ भगवान न दे तो देवताएं कभी भी असुरों से जीत नहीं सकते। If God does not stand by the deity souls, the deities can never gain victory over the demons. तो आज की दुनिया में जबकि भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है, So in today's world, when God has come in this world, देवात्माएं भी पढ़ाई पढ़ रही है और आसुरी आत्माएं भी पढ़ाई पढ़ रही है। The deity souls as well as the demonic souls are studying the knowledge. कोई ऐसे हैं जो ज्ञान को सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं और बड़े प्रकांड विद्वान बन जाते हैं। There are some who listen to knowledge and narrate to others and become great scholars. बहुत मान मर्तबा लेते हैं। They receive a lot of respect and honor. बेसिक नॉलेज में भी ऐसे हैं। There are such ones even in the basic knowledge. क्या? What? ज्ञान सुन रहे हैं अच्छा अच्छा और ज्ञान दूसरों को सुना भी रहे हैं। They are listening to nice knowledge and they are also narrating the knowledge to others. और दूसरों से खूब वाहवाही ले रहे हैं, बड़ा अच्छा ज्ञान सुनाता है। And are receiving a lot of praise from others that they narrate very nice knowledge. लेकिन लेकिन कमी ये है कि भगवान बाप की धारणा नहीं की। But the shortcoming is that they did not recognize God the Father. भगवान बाप कौन है ये बुद्धि में धारण नहीं कर पाया। They could not recognize in their intellect who God the Father is. बाप की पहचान अंदर से नहीं हो पाई। They could not recognize the Father from inside. इसलिए असुरों की लिस्ट बन जाती। That is why they are included in the list of demons. फिर उससे भी बड़े असुर और हैं। Then there are demons bigger than even them. जो सिर्फ सुनते नहीं है, सुनाते नहीं है, समझ भी लेते हैं। ठीक है। Who don't just listen and narrate, but they also understand it and say, it is correct. और दूसरों को समझा भी देते हैं। And explain it to others as well. क्या? वो और powerful आत्मा है। What? They are even more powerful souls. लेकिन अपने जीवन में धारण नहीं करते। But they do not imbibe it in their life. हम को बेवकूफ बनाते रहते हैं। They keep fooling everyone. न खुद प्योरिटी धारण करेंगे। They themselves don't imbibe purity. तो जो खुद ही प्योरिटी को धारण नहीं करेगा, पवित्रता को धारण नहीं करेगा। So, will the one who himself does not imbibe purity, सहनशीलता को धारण नहीं करेगा, उसका असर दूसरों के ऊपर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। Does not imbibe tolerance have any effect on others? He will not have an effect. तो दूसरों को धारण भी नहीं करा सकते। So they can't enable others to imbibe virtues either. न खुद देवता बनते हैं और न दूसरों को बनाए सकते हैं। They neither become deities themselves nor can they make others deities. तो वो और बड़े राक्षस। So they become still bigger demons. इसलिए बोला। That is why it has been said. कि जब विनाश होगा, When destruction takes place, तो आधे पुण्यात्मा और आधे पापात्मा बचेंगे। Half of those who survive will be noble souls and half of those who survive will be sinful souls. अरे, विनाश होने के बाद भी आधे पुण्यात्मा आधे पापात्मा बचेंगे। अरे, even after the destruction, will half the number of noble souls
एंड हाफ द नंबर ऑफ सिंफुल सोल्स सर्वाइव. ये क्या बात हुई? वॉट इज दिस? कौन से पुण्य आश्रम करेंगे? विच नोबल सोल्स विल सर्वाइव? जिन्होंने जन्म जन्मांतर पवित्रता को धारण किया है. Those who have imbibed purity for many births, जिनमें जन्म जन्मांतर पवित्रता के संस्कार रहे हैं, वो भी बचेंगे. Those who have the संस्कार्स of purity for many births will survive. और जिनमें जन्म जन्मांतर अपवित्रता के संस्कार रहे हैं, वो भी बचेंगे. As well as those who have the संस्कार्स of impurity for many births will survive. ये क्या बात हुई? What is this? राजाएं जन्म जन्मांतर अपवित्र बनकर के रहे भारत के. The kings of India remained impure for many births. और भारत की रानियां जन्म जन्मांतर पवित्र बन के रही. And the queens of India remained pure for many births. तो जब विनाश होगा, So when the destruction takes place, चाहे ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश हो, चाहे बाहर की दुनिया में विनाश हो. Whether the destruction takes place in the world of Brahmins or in the outside world, दोनों प्रकार की आत्माएं बचेंगी. Both kinds of souls will survive. एक रुद्रमाला के बढ़के, एक विजयमाला और एक विजयमाला के बढ़के. One are the beads of the rosary of Rudra, Rudramala, and other are the beads of the rosary of victory, Vijayamala. विजयमाला के बढ़के वो है विष्णु की माला. The beads of the rosary of victory constitute the rosary of Vishnu. जिन्होंने जन्म जन्मांतर पवित्रता को धारण करने के संस्कार ग्रहण किए हैं, वो बचेंगे. Those who have inculcated the sanskars of imbibing purity for many births will survive. लेकिन वो संगठित रूप में होंगे. क्या? But they will be in a gathered form. What? इस दुनिया में विनाश के बाद कैसे होंगे? How will they be in this world after the destruction? Purity की पावर से unity में रहने वाले होंगे. They will be the ones who remain in unity through the power of purity. जैसे शहद की मक्खियाँ होती. Just as the honey bees. छत्ता छत्ता उनका छोटा सा होता है. Their beehive is small. लेकिन छोटे छत्ते के अंदर भी सब unity में इकट्ठी होकर के रहते हैं. But even within that small beehive, they remain together in unity. ऐसे ही उनकी दुनिया तो छोटी होगी. Similarly, their world will be small. लेकिन सब इकट्ठे होकर के बड़े प्यार से रहेंगे. But everyone will live together in a gathered form with great love. और दूसरे वो होंगे. And the second kind will be those जो सारे विश्व के बादशाह कहे जाते हैं. Who are called the emperors of the entire world. सारी दुनिया के ऊपर कंट्रोल करने वाले कहे जाते हैं. They are called the ones who control the entire world. है रुद्रमाला के मणके. They are the beads of the rosary of Rudra. राजयोगी है. They are Rajyogis. राजयोग सीखने वाले हैं, कंट्रोलिंग पावर धारण करने वाले हैं. They are the ones who learn Rajyog. Those who hold the controlling power. लेकिन जब विनाश होगा तो सारी दुनिया में छिटके हुए होंगे. But when the destruction takes place, they will be scattered all over the world. कोई इधर दबेगा बर्फ में, कोई उधर दबेगा, कोई कहाँ दबेगा, कोई कहाँ दबेगा. Someone will be buried in ice here, someone will be buried there, someone will be buried at one place, and someone else will be buried somewhere else. ये बिखरे हुए क्यों होते हैं? Why are they scattered like that? क्या कारण है? What is the reason? Impurity. Impurity. पुरुषार्थी तो बहुत है. They are indeed great purusharthis, meaning the ones who make spiritual effort. लेकिन पुरुषार्थी जीवन में भी impurity को धारण किया. But even in their purusharthi life, they practiced impurity. बाप को पहचानने वाले हैं. They are the ones who recognize the father. लेकिन पहचानने के बावजूद भी. But in spite of recognizing the father, जो कमाई करनी चाहिए पवित्रता की, वो कमाई नहीं कर पाते. They are unable to earn the income of purity which they should. हैं शिव बाबा के बच्चे, रुद्रमाला के बच्चे. They are no doubt Shiv Baba's children, the beads of the rosary of Rudra. क्या? अब सवाल ये पैदा होता है कि शिव बाबा ऐसे बच्चों को राजा क्यों बना देता है? What? Now the question arises,
Why does Shiv Baba make such children into kings? वो जन्म जन्मांतर के राजा बनते हैं और वो जन्म जन्मांतर की रानियां क्यों बनते हैं? They, that is the beads of Rudramala, become the kings for many births. And why do they, that is the beads of Vijayamala, become the queens for many births? उनमें ऐसा कौन सा विशेष गुण देख लिया और उनमें ऐसी कौन सी कमजोरी आ गई? What special virtue did he see in them? That is the Rudramala. And what is the weakness that emerged in them? That is the Vijayamala. वो रुद्रमाला के मनकों में कौन सी विशेषता देखी भगवान बाप ने जो जन्म जन्मांतर का राजा बना दिया? What speciality did God the Father see in the beads of the rosary of Rudra that he made them kings for many births? इतने अपवित्र. They are so impure. Someone said they do not become dependent. नहीं, उन्होंने ही भगवान को पहचाना. और जो रानी बनने वाली आत्मा है उन्होंने भगवान बाप को पहले नहीं पहचाना. नो, ओनली दे रिकॉग्नाइज्ड गॉड एंड द सोल्स विच बिकम द क्वींस डिड नॉट रिकॉग्नाइज गॉड द फादर फर्स्ट. जब दुनिया से ठोकरें लगी तब पहचाना. दे रिकॉग्नाइज्ड हिम व्हेन दे रिसीव्ड ब्लोस फ्रॉम द वर्ल्ड. उन्होंने पहले ही पहचान लिया. दे That is the Rudramala already recognized him. इसलिए बाबा बोलते हैं कि तुम बच्चों में कोई गुण हो या न हो लेकिन एक गुण हर एक बच्चे में है. Therefore, Baba says, whether you children have any quality or not, but every child has one quality. कौन सा गुण? बाप को पहचानने का. Which quality? The quality of recognizing the father. बस इस एक गुण के आधार पर वो जन्म जन्मांतर की राजाई प्राप्त कर लेते हैं. That is all. On the basis of this one quality, they obtain the kingship for many births. भगवान बाप ये नहीं देखते कि ये जन्म जन्मांतर का पतित है, गंदा है. God the Father does not see this one is a sinful one. He has been dirty for many births. क्या देखते हैं? What does he observe? बाप की पहचान देखते हैं. He observes the speciality of recognizing the father. पतित को नहीं देखते. He does not see the sinful one. उसका तो धंधा ही क्या है? What is his very occupation? भगवान बाप का धंधा क्या है? What is the occupation of God the father? पतितों को बाप उसको तो पतितों के बीच में ही धंधा है. To transform the sinful ones into pure ones. His occupation is amongst the sinful ones themselves. अगर पतितों से प्यार न करे, पतितों के बीच में वो पतितों को पावन आकर के न बनाए तो उसका धंधा ही खलास. If he does not love the sinful ones, if he does not come amongst the sinful ones and transform the sinful ones into pure ones, his occupation itself will end. भगवान आता ही है पतितों को पावन बनाने के लिए. God comes only to purify the sinful ones. इसलिए जब इस सृष्टि पर आए, Therefore, when he comes in this world, तो पहले रानी बनने वाली आत्माओं को उठाते हैं. Does he first uplift the souls who become the queens? या राजा बनने वाली आत्माओं को उठाते हैं? है? जो राजा बनने वाली आत्माएं हैं, वो पहले भगवान बाप को पहचानती है. Or does he first uplift the souls who become the kings? The souls who become the kings recognize God the Father first. और जो रानी बनने वाली आत्माएं जन्म जन्मांतर की पवित्रता को धारण करने वाली आत्माएं हैं. And the souls who become the queens, the souls who imbibe purity for many births, वो अभी भी वहीं बैठी हुई है बेसिक नॉलेज. Are still sitting there in the basic knowledge. आई पढ़ रही. They are studying. A-R-E-E-U-U, meaning A-B-C-D-E-F. इसलिए भगवान के लिए बोलते हैं भगत लोग, तुम्हारी गतिमति तुम्हें ही जानो. That is why the devotees say about God, तुम्हारी गतिमति तुम ही जानो, meaning your ways and intellect are known only to you. क्या? भगवान की गतिमति भगवान ही जाने और न जाने कौन? What? Only God knows his ways and intellect. Nobody else knows about it.
राजा बनना अच्छा या रानी बनना अच्छा? इज इट बेटर टू बिकम अ किंग और इज इट बेटर टू बिकम अ क्वीन? राजा बनना अच्छा। पति तमो प्रधान गंदे भिखारी। समवन सेड इट इज बेटर टू बिकम अ किंग। इज इट बेटर टू बिकम अ किंग? सिंफुल तमो प्रधान डर्टी विशियस। हाँ, जो पहले पहचानते हैं तो भले जन्म जन्मांतर के पतित है। समवन सेड दे रिकॉग्नाइज द फादर फर्स्ट, डोंट दे? यस, ऑल्दो दोज हू रिकॉग्नाइज फर्स्ट आर सिंफुल फॉर मेनी बर्थ्स। तुलसीदास जी ने गीत गाया एक, मैं पतितन को राजा। तुलसीदास जी हैज संग अ सॉन्ग मैं पतितन को राजा, मीनिंग आई एम द किंग ऑफ द सिंफुल वंस। क्या अपने मुंह से अपने ग्लानी निकली? What? He wrote his defamation after speaking with his own mouth. मैं पतितन को राजा, जितने भी पतित हैं इस दुनिया में उन पतितों का सबसे बड़ा राजा कौन? मैं। I am the king of the sinful ones. Among all the sinful ones in this world, who is the biggest king of those sinful ones? It is me. तो ये भी एक जोड़ी बन गई। So this pair also was formed. क्या? जैसे जोड़ी होती है ना? What? For example, there are pairs, aren't there? एक होता है स्त्री चोला और एक होता है पुरुष चोला। एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। One is a female body and the other is a male body. One is negative and the other is positive. तो दोनों की जोड़ी बनती है ऐसे ही, एक पतित और दूसरा पावन। So both of them form a pair. Similarly, one is sinful and the other is pure. ये पतित पावन की जोड़ी बन जाती है। This pair of the sinful one and the pure one is formed. ऊपर वाला है पावन और नीचे वाला है पतित। The one above is pure and the one below is sinful. वो जन्म जन्मांतर का पावन और वो जन्म जन्मांतर का पतित। He, that is the incorporeal one, is pure for many births, and he, that is the corporeal one, is sinful for many births. दोनों की युति बनती है तो आकर के प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं। Both of them form a pair, so he comes and establishes the path of household. और प्रवृत्ति मार्ग कैसा? And what kind of a path of household is it? अनेक जन्मों की प्योरिटी भर जाती है उनमें। They, that is Ram and Krishna, are filled with purity for many births. एक जन्म की नहीं, कि सिर्फ नर से नारायण बन जाएंगे बस उसी जन्म में पवित्र रहेंगे, नहीं। It is not just for one birth, so that they will transform from a man to Narayan, they will remain pure for that birth only. No. 21 जन्म की प्योरिटी उसमें भर जाती है। They are filled with purity for 21 births. तो बाप आकर के ये वर्षा देते हैं। So the father comes and gives this inheritance. क्या? What? जो पतित आत्माएं हैं उनको पवित्रता का वर्षा देते हैं। He gives the inheritance of purity to the sinful souls. और जो जन्म जन्मांतर की पावन आत्माएं हैं, फिर उनको क्या वर्षा मिलता है? And what inheritance do those who are pure souls for many births receive? है? उनको वर्षा मिलता है सुख का। They obtain the inheritance of happiness. इसलिए बोला है, there is purity, there is peace and prosperity. That is why it has been said, where there is purity, there is peace and prosperity. जितनी पवित्रता होगी, उतना सुख होगा. The more purity there is, the more happiness there will be. तो राजाएं सुखी उतने नहीं होते हैं जन्म जन्मांतर में. So, the kings do not become as happy for many births. जितनी जन्म जन्मांतर पवित्रता को धारण करने वाली रानियां महलों में रहकर के आराम से सुखी जीवन को। As the queens who imbibe purity for many births live in the palaces and enjoy a happy and comfortable life. अगर जौहर भी करना पड़ा, आग में कूदना पड़ा, तो वो भी अपनी स्वेच्छा से, उमंग उत्साह से। Even if they have to perform जौहर,
If they had to jump into the fire, they did that voluntarily with their own zeal and enthusiasm. Johar, immolating oneself, as formerly done by Rajput women facing capture by a conqueror. And they jumped into the fire for a few moments and ended their life. Was it sorrow for a longer period or for a little while? और वो भी खुशी खुशी संगठित रूप में उमंग उत्साह में आकर. Someone said, for a little while. Moreover, they did it happily and with zeal and enthusiasm in a gathered form. So antamate, sugate. So their thoughts in the end lead them to their final destination. श्रेष्ठ गति होगी या दुर्गति होगी? Will they attain an elevated salvation or will they undergo degradation? धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने किया. They did it for the protection of their dharma. Vidharmi aakar ke hamare sharir ko haath na laga de. They thought Vidharmis should not come and touch our body. Vidharmis, meaning those whose faith and belief are opposite to that set by the father. Hamara dharm bhrasht na kar de. They should not spoil our religion. To dharm ki raksha ke liye जन्म जन्मांतर जो रानियों ने जौहर किए हैं, वो जौहर उनकी पवित्रता को दिन दूना रात चौगुना और बढ़ाने वाला है. सो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द धर्म द जौहर्स परफॉर्म्ड बाय द क्वींस इंक्रीजेस देयर प्यूरिटी डे इन एंड डे आउट. उनको सुख मिलता है और राजाओं को शोहरत मिलती है. दे रिसीव हैप्पीनेस एंड द किंग्स रिसीव फेम. मान मर्तबा किसको मिलता है? हु रिसीव्स रेस्पेक्ट एंड ऑनर? The kings receive respect and honor. The queens receive happiness for many births. This is the difference. Om Shanti.